हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी मैथ्स की प्रश्नावली 5.3, जिसके हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे देखते हैं 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इन 15 क्वेश्चन तक को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखते हैं 9th क्वेश्चन जो दिया गया है, वाई बराबर साइन इनवर्स 2x/1+x² है और इसमें आपको dy/dx ज्ञात करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सवाल है इनवर्स वाले सवाल हैं, इस वजह से आप x को कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मान के चलना है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मान के चलते हैं, सबसे पहले सवाल को आपको डायरेक्टली अवकलन नहीं करना है। x के बराबर हमने यहाँ पे टेन थीटा लिया, और टेन थीटा क्यों लिया है अभी आपको कारण पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें 2 tan θ/1+tan²θ, यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये होता है या तो tan²θ का होता है, या फिर हम कह सकते हैं साइन में sin²θ के इक्वल भी होता है ये फार्मूला, कि 2 tan²/1+tan²sin²θ के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे y लिखा, साइन इनवर्स लिखा, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 tan θ/1+tan²θ हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो साइन इनवर्स, अब यहाँ पे ये हो गया sin²θ का फार्मूला, और sin²θ का यदि हो गया तो साइन से साइन तो कट गए, क्या बचा होगा 2θ। अब यहाँ पे 2θ का वापस मान रख दीजिए, तो थीटा का मान क्या होगा, यदि आप यहाँ से देखें तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे टेन ले जाइए तो थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स हमने आंसर ले आए। तो वाई बराबर 2 tan²x लाए, अभी भी हमने अवकलन नहीं किया है, अब हम अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि पहली चीज तो आपको सवाल सरल बना लेना है, इसके बाद अवकलन करना है। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, वाई का तो dy/dx हो जाता है, दो जाके था, अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का आपको करना होगा क्या होता है। तो अब ध्यान रख लीजिए, हर सवाल में जो आपको करना होगा कि टेन इनवर्स एक्स है और उसका अवकलन किया जाए तो वो होता है 1/1+x² होता है, जी आप ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दो जाके ता और 1/1+x² आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, जे dy/dx का, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो का आप चाहते तो गुणा भी कर सकते हैं, dy/dx का आंसर यही होगा। देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे भी बिल्कुल टेन की कंडीशन है, जी आपको पता होगा यदि एक्स की जगह टेन थीटा रखा जाए, मान के चलें हम एक्स बराबर टेन थीटा यदि हम मान लेते हैं तो वाई बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन इसलिए माना क्योंकि 3 tan θ - tan³θ और बटे में 1 - 3 tan²θ बन जाएगा, जो कि टेन 3θ का फार्मूला होता है, टेन 3θ का ये फार्मूला है। अब यहाँ से टेन कट जाएंगे यदि, तो 3θ बचेगा। अब यहाँ पे थीटा का बिल्कुल वही मान होता है, टेन इनवर्स एक्स होगा, तो यहाँ पे हमने 3 जाकेता लिखे हैं, थीटा की जगह पे हमने लिखा है टेन इनवर्स एक्स। मतलब पहले आपको सवाल सरल बनाना है, एक्स बराबर टेन मान के फिर जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन बाद में करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करेंगे तो अवकलन का नियम अभी अभी हमने देखा था कि वाई का तो dy/dx होता है 3 जाके ता, और फिर टेन इनवर्स एक्स का यदि आप करते हो तो 1/1+x² होता है, और आगे आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 3/1+x² लिख सकते हो, यही आपके dy/dx का आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल, 11वां दिया गया है, इसमें भी आपको बिल्कुल वही चीज़ मान के चलना है, एक्स बराबर टेन थीटा। टेन क्यों माना है आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स यदि आप ऐसा फार्मूला बनाते हो 1 - tan²/1+tan² बनाते हो, तो जे होता है cos 2θ का होता है, cos इनवर्स cos
कॉस टू थीटा का ये फार्मूला भले ही टेन में है लेकिन कॉस टू थीटा का फार्मूला है, इसलिए हमने ये लगाया ताकि कॉस से कॉस कट जाए, क्या बचा होगा टू थीटा। थीटा का मान और क्या है टेन इनवर्स एक्स है थीटा का मान, तो यहाँ पे दो जाके ता टेन इनवर्स एक्स लिख देते हो, वाई के इक्वल आ गया। अब हम एक्स के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यदि अवकलन करेंगे तो देखिए वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, दो जाके ता टेन इनवर्स एक्स का एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और दो का आप गुणा भी कर देंगे तो दो बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला सवाल भी सेम इसी टाइप से दिया गया, यदि आप मान के चले x बराबर हमने tan थीटा माना होगा यदि, तो यहाँ से निकल के आएगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन वर्ग थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी अभी हमने ये फार्मूला लगाया है कि यहाँ पे जो होता है cos 2 थीटा का ये फार्मूला है, अभी अभी पिछले सवाल में हमने देखा ये तो cos 2 थीटा का है, अब cos से साइन तो कटेंगे नहीं, फिर आपको क्या करना होगा इस cos को साइन में जाके चेंज करना होगा, तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos होता है, इसलिए हमने इस कॉस को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा, साइन 90 माइनस जो भी थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, इस वजह से लिखा। अभी यहाँ से क्या परिणाम होंगे, साइन से साइन कट जाएंगे, 90 माइनस 2 थीटा बचा होगा, 90 माइनस 2 और थीटा का मान यहाँ से वापस रख देते हो तो थीटा का मान क्या होता है टेन इनवर्स एक्स था यहाँ पे, तो हमने दो टेन इनवर्स एक्स रखा है, तो y का मान ये बन चुका है सरल। अब देखिए आप यदि अवकलन करेंगे तो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो अवकलन क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे y का तो अवकलन dy बटे dx होगा, और 90 की बात करें 90 जे अंश है मतलब अचर पद है, अचर पद का तो 0 होगा, माइनस का 2 होगा, और टेन इनवर्स का यदि आप देखोगे तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस 2 का यहाँ गुणा करके भी आप लिख सकते हो माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल भी सेम इसी टाइप से दिया गया है, इसमें भी आपको मान के चलना है, मान के चले हमें x बराबर टेन थीटा, यदि हमने माना x बराबर टेन थीटा तो y बराबर क्या निकल के आएगा, cos इनवर्स 2 टेन थीटा और बटे आएगा 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। अब देखिए जी हमने बिल्कुल पहले ही सवाल में नियम लगाया था, तो cos इनवर्स 2 टेन बटे 1 प्लस टेन वर्ग जे होता है sin 2 थीटा का फार्मूला, तो sin 2 थीटा लिखा। आप कॉस से साइन फिर नहीं कर सकते हैं, तो आपको जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही करेंगे कि साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में आप लिखेंगे इसे, क्योंकि कॉस का 90 माइनस साइन होता है, आप कॉस से कॉस तो कट जाएंगे, 90 माइनस 2 थीटा बचा होगा, और 90 माइनस 2 थीटा का मान यदि आप देखें तो थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे दो टेन इनवर्स एक्स हमने रखा है, y का मान ये हो गया। अब यदि आप x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जैसे ही आप अवकलन करोगे तो y का तो dy बटे dx होगा, और 90 का 0 होगा, दो जाके ता टेन इनवर्स एक्स का एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और आगे भी आप कर देते हो तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स वर्ग। अब यहाँ पे देखिए मान के चलेंगे यदि x बराबर यहाँ पे 10 के रूप में कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम x की जगह साइन थीटा मान के चले, क्यों मान के चले हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए y बराबर यहाँ पे 2 साइन, x की जगह साइन होगा, और कोष्टक में 1 माइनस एक्स वर्ग मतलब 1 माइनस साइन वर्ग थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स जाके था हमने लिखा 2 साइन थीटा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन वर्ग जे तो कॉस वर्ग होता है, लेकिन कॉस वर्ग करणी के अंदर है लेकिन बाहर निकल के आएगा तो केवल कॉस थीटा बन जाएगा,
तो यहाँ पे साइन इनवर्स, अब यहाँ पे दो साइन थीटा कॉस थीटा जी, तो साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। अब यहाँ साइन से साइन कट सकें इसलिए हमने एक्स का मान साइन थीटा माना है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे यदि कट नहीं पा रहे तो समस्या होती है। तो यहाँ पे अब जे और जे यदि कट जाते हैं तो क्या बचता है, ओनली टू थीटा बचता है, और थीटा का मान देखा जाए यदि तो वो साइन इनवर्स एक्स होगा। तो अब हमने दो थीटा का मान रखा है, साइन इनवर्स एक्स रखा है, ये वाई के इक्वल आ गया। अब यदि हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिख देते हैं, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो पता होगा कि वाई का अवकलन तो डी वाई बटे डी एक्स होता है। दो जाकेता साइन इनवर्स एक्स का आप याद रख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है एक बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का यदि होता तो माइनस चिन्ह होता है, वन माइनस एक्स वर्गकर्णी के अंदर होता है। तो ये इनवर्स वाले अवकलन अच्छे से आप याद रखें, साइन इनवर्स का एक बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, तो एक बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, और दो का आप गुणा भी कर देते तो दो बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वेयर करनी में यही आपका आंसर होगा। देखते हैं पंद्रहवा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी यदि देखा जाए कि दो कॉस वर्ग माइनस वन, दो कॉस वर्ग थीटा माइनस वन वाला एक फार्मूला होता है, तो यदि आपने मान के चले एक्स बराबर कॉस थीटा हमने यहाँ पे माना, तो देखिए क्या कंडीशन बन जाएगी, सेक इनवर्स और यहाँ पे वन अपॉन टू कॉस वर्ग थीटा माइनस वन, इस टाइप से बन जाएगी। अब यहाँ पे फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है ना, वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर होता है टू कॉस वर्ग थीटा, या टू कॉस वर्ग थीटा माइनस वन करोगे तो कॉस टू थीटा के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो फार्मूला बन चुका है टू कॉस वर्ग थीटा माइनस वन कॉस टू थीटा का बना है, तो एक बटे कॉस टू थीटा हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए बटे में है, यदि आप उसे ऊपर ले जाते हो तो सेक टू थीटा बन जाएगा, कॉस को पलट देते हो तो सेक बन जाता है, और सेक से सेक कट जाएंगे, क्या बचा होगा, ओनली टू थीटा बचा होगा। अब यहाँ से थीटा का मान वापस यदि आप कर देते हो तो कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो वाई बराबर आ जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब यदि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने लिखा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो वाई का अवकलन हो जाता है डी वाई बटे डी एक्स। दो जाकेता लिखा, कॉस इनवर्स का करेंगे माइनस वन अपॉन करणी के अंदर वन माइनस एक्स वर्ग होता है, और अंदर गुणा भी कर देंगे टू का, तो माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर आपका आंसर हो जाएगा।